आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। चौथी बार सुकेत सर्व देवता कमेटी की कमान डॉक्टर अभिषेक सोनी के हाथ। 15 वर्षों से सुकेत सर्व देवता कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं डॉक्टर सोनी। कनेद ललित चौहान। आज दिनांक 11 जनवरी 2024 को सुकेत सर्व देवता कमेटी के पंचवर्षीय चुनाव मेला ग्राउंड सुंदरनगर में आयोजित किए आए। चुनाव में सुंदरनगर, करसोग, बलह, नाचन, सराज, मंडी, तुंगल इत्यादि क्षेत्रों से आए 125 देवी देवताओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चुनाव से पूर्व सुकेत सर्व देवता कमेटी को भंग किया गया। दत्तोपरांत चुनाव प्रक्रिया संतराम चौहान प्रधान, मूल मानहुनाग जी बखारी कोठी करसोग की अध्यक्षता एवं मणिचंद मुख्य कारदार देव महासु बखरास करसोग के पर्यवेक्षण में आरम्भ की। धन्यवाद। तो हमारा था, अब 15 साल पूरे कर चुका है तथा भी पंचवर्षीय चुनाव के बाद 5 वर्ष का अगला हमारे पास अभी मौका है और आप सभी को पता ही है हम कितने प्रयत्न कर रहे हैं और कितने प्रयास हमारे चलते आगे आ रहे हैं। तो आगे वाला जो हमारा एक प्राथमिक प्रधान जी ने भी हमें बोला है और आप सभी के भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले देव सदनता है, जैसे अभी तक हमारी ये जो मीटिंग था ओपन हाउस हो रहा है तो देव सदन का एक कार्य है, कारदा सदन के नाम दिया है तो उसकी कुछ एप्लीकेशन फाइल अभी आगे तक पहुंच चुकी है, अभी देखते हैं उसके बाद इसका कार्य कैसे रहेगा। तो आप सभी के सहयोग से ये होना चाहिए। बाकी रही बात यात्रा भत्ता की और मजंत्री भत्ता की, ये भी हमारे पास सुचारू रूप से चल चुका है। और एक चीज बोलूंगा, जितनी पंजीकृत कमेटी है उनको अभी मजंत्री भत्ता उनको मिल रहा है पर अभी कम लेवल का है, पर उन्हें मिल रहा है, पर जल्द ही हमारे प्रयास रहेंगे हर देवता के मजंत्रियों को भी अलग से उनको भत्ता दिया जाए, क्योंकि ज्यादा जो हमारा खर्चा होता है वो मजंत्री भाइयों के ऊपर होता है। और साथ साथ यात्रा के दौरान भी हमारे पास ठहरने की बड़ी दिक्कतें आती हैं, भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती प्रॉपर, तो उसके लिए भी हमारे पास आते हैं उन्हें अलग से भी राशन भी प्रोवाइड कराया जाए और यात्रा भत्ता भी दिया जाए। तो कुछ हमारे लिए मांगे हैं प्रमुखता से। और अगली एक और चीज़ थोड़ी खुशखबरी भी आपको दूंगा, हमने पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मेला करके अपना कार्य किए थे तो उसकी और डिप्टी डायरेक्टर है जिला शिमला में पहुंचने वाली है और शायद